लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। टीवी जगत की ये 10 खूबसूरत अभिनेत्रियां रियल लाइफ में दे चुकी है अपने पतियों को तलाक। टीवी जगत की इन खूबसूरत अभिनेत्रियों की खूबसूरती के बारे में तो आप रोज पढ़ते ही रहते हैं, परंतु आज हम आपको टीवी जगत की ऐसी कुछ अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जिनका अपने पतियों से तलाक हो चुका है। एक, जेनिफर विंगेट। अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा चर्चाओं में रहने वाली जेनिफर विंगेट की शादी करण सिंह ग्रोवर से 2012 में हुई थी और 2016 में यह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दो, स्नेहा वाघवीरा। और ज्योति जैसे सुपरहिट सीरियल में काम कर चुकी स्नेहा वाघ की शादी 2015 में अनुराग सोलंकी के साथ हुई थी, परंतु शादी के 8 महीने बाद ही इन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया। तीन, सारा खान विदाई। और ससुराल सिमर का जैसे सुपरहिट सीरियल में काम कर चुकी सारा खान की शादी 2010 में अली मर्चेंट के साथ हुई थी, परंतु 2011 में यह दोनों अलग हो गए। चार, दलजीत कौर भनोट। दलजीत कौर भनोट की शादी 2009 में शालीन भनोट के साथ हुई थी, परंतु 2015 में इनका रिश्ता टूट गया। पाँच, रश्मि देसाई। सीरियल उतरन से फेमस हुई रश्मि देसाई और नंदीश सिंह की शादी 2012 में हुई थी। उतरन के सेट पर ही इन दोनों में प्यार हुआ था, परंतु 2016 में यह दोनों अलग हो गए। छह, श्रद्धा निगम। टीवी एक्टर करण सिंह ग्रोवर की पहली शादी श्रद्धा निगम के साथ 2008 में हुई थी, परंतु इनकी शादीशुदा लाइफ एक साल तक भी नहीं चल सकी और 2009 में इनका तलाक हो गया। सात, श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी और राजा चौधरी की शादी 1998 में हुई थी, परंतु 2012 में इन दोनों का तलाक हो गया। इनकी एक बेटी भी है। आठ, रुचा गुजराती। रुचा गुजराती और मितुल सांघवी की शादी 2010 में हुई थी, परंतु इनका रिश्ता भी कुछ अधिक समय तक नहीं चल सका और 2013 में इनका तलाक हो गया। नौ, दीपिका कक्कड़। ससुराल सिमर का की लीड एक्ट्रेस रह चुकी दीपिका कक्कड़ की पहली शादी रौनक मेहता से 2013 में हुई थी और 2015 में इनका तलाक हो गया। दस, काम्या पंजाबी। काम्या पंजाबी और बंटी नेगी की शादी 2003 में हुई थी, परंतु शादी के 10 साल बाद 2013 में ये एक दूसरे से अलग हो गए।